बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि ये बड़ी गौर तलब बात है कि बेवकूफ बच्चे से भी अकलमंद माँ बाप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनका अपना होता है। अगर आपके आमाल का सही हिसाब कर दिया जाए तो ये इंसाफ होगा, और शफात ये इंसाफ पर हावी है। वो तकलीफ जो जगा रही है उस सुकून और राहत से बेहतर है जो सला रही है। बला की तारीफ यही है कि जो ना टले, लेकिन बला भी सदके से टल जाती है। तबलीग मोहब्बत की होनी चाहिए, मायल करने की होनी चाहिए, कायल करने की होनी चाहिए, लेकिन किसी इंसान को घायल करने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एहसान ये है कि बदी को नेकी से दफा करो, बदी कभी बदी से दफा नहीं होती। दुआ पर ईमान रखना, यकीन रखना, दुआ मांगना बड़ी मुबारक बात है। जो शख्स किसी आसाइश तकसीम नहीं करता, वो ईमान कैसे तकसीम कर सकता है? आप अपने भाई को जन्नत तो देते हैं, लेकिन उसको माल में से कुछ नहीं देते। जिसको अल्लाह की याद मिल जाए उसको फिर सुकून ही सुकून। गुनाह इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी सजा ये देता है कि इंसान का दुआ से एतमाद उठ जाता है। बीवी को ज्यादा से ज्यादा अनार खिलाया करो, बीवी हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगी, शोहर चाहे बूढ़ा भी हो जाए। अल्लाह के मालिक होने का सबूत यह है कि जिस अल्लाह की इबादत आपके दादा ने की, और उसी अल्लाह की इबादत आपके पोते भी करेंगे। खामोश आदमी को कहा गया कि तू बोलता क्यों नहीं, तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोलता कि कहीं बोलने से मेरा मुकाम कम ना हो जाए। मोहब्बत में महबूब की हर अदा के साथ मोहब्बत होती है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।